नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो इसमें अभी तक हम लोग इस तरह के आपके 15 टेस्ट खत्म कर चुके हैं। ये आपका 16वां टेस्ट है। कौन सा? 16वां। देखिए, फिर से बता देता हूँ कि टेस्ट कब देते हैं आप लोग, परीक्षाएं कब देते हैं, जब आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है और आपको लगने लगता है कि हम पेपर देने के लिए तैयार हैं। तो आप पहले कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को अच्छे से पढ़ लीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, तब आपको बहुत बेहतर तरीके से आपकी अपनी जो तैयारी है उसके बारे में पता चलेगा और पेपर भी अच्छा जा सकेगा। ठीक है, तो कहीं से भी पढ़िए। और हम हमारी तरफ से भी आपका मध्य प्रदेश पूरा सामान्य ज्ञान कवर किया गया है, उत्तर प्रदेश, और जो आपकी लूसेंट टाइप की बुक्स आती है, इस टाइप की आपकी एक किरण की बुक आती है जो थोड़ी लूसेंट से बेहतर होती है, कुछ डिटेल में पढ़ाया जाता है, उसे भी पूरा कवर किया गया है। ठीक है, और कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को कवर किया गया है। तो कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के जो भी सभी लेक्चर हैं आपके चैप्टर वाइज चैप्टर, वो सभी कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। इतना वादा करता हूँ कि अगर आप लोग कंप्यूटर सामान्य ज्ञान जो कंप्लीट कंप्यूटर क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट सूची है उसमें डला हुआ है, 15 चैप्टर के करीब है, और प्लस ये मॉक टेस्ट हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, अगर इन्हें आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चंस कोई भी गलत नहीं होगा, फिर चाहे वो लिखित रूप में हो फिर चाहे ऑब्जेक्टिव रूप में हो, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। तो चलिए, हम लोग 16वें टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग। अनेक प्रोसेसरों द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग। तो क्वेश्चन नंबर एक में आपका डी होगा। दूसरा क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में एवरीथिंग कंपोनेंट में होता है, हार्डवेयर होता है या फिर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका क्या होगा? डी। क्वेश्चन है हमारा तीसरा, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर बग है, तीसरे में क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर तीन में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है हमारा चार, टैब ड्राइव टैब डेटा को एक्सेस ऑफर करता है, टैब ड्राइव डेटा को एक्सेस ऑफर करता है, सिक्वेंसियल क्या होगा? चार में डी होगा। क्वेश्चन नंबर चार में डी। क्वेश्चन है हमारा पांच, वायरस वायरस का विस्तारित रूप है, जो आपने सुना होगा वायरस आ गया लैपटॉप में फोन में, तो इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म? तो इसका नाम है बीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज सीज। क्या होगा इसमें? बी ऑप्शन सही हो। इस तरह के जो भी आपके संक्षिप्त रूप हैं फुल फॉर्म है उनके, इनके बारे में एक अलग से आपकी पूरी क्लास ली गई है। ठीक है, उनमें आपका बताया गया है कि बैन का क्या फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी आपके शब्द होते हैं उन सभी का आपका इसमें फुल फॉर्म बताए गए हैं, तो वहाँ जाकर देख लें, अच्छे से पूरा कवर किया गया है। और आपका बचता है मैथ रीजनिंग इंग्लिश, अगर तीन सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं तो फिर आप को किसी भी प्लेटफॉर्म पर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए भी हम कोशिश ही कर रहे हैं, कोई मिल जाए अच्छा अच्छा टीचर, तो बात तो चल रही है कई जगह, तो आप लोग बने रहिए। फिर अगर ये भी सुविधा हो जाती है इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग की, तो इसके बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कहीं पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी, फ्री में सब आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मैं करवा दूंगा। ठीक है,
छठवां क्वेश्चन, प्रेडिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टर कैरेक्टरों का एक समूह है। फाइल। क्वेश्चन नंबर छठवें में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सात, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर सात में आपका सी। क्वेश्चन है आठ, .vs.doc.htm किसके उदाहरण है? एक्सटेंशन के। आठ में आपका सी होगा। नौ, एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देखते हैं। फाइल नेम। नौ में क्या होगा? सी। क्वेश्चन है हमारा दस, कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं कंपाइल्ड कोड। दस में क्या होगा आपका? सी। सी ऑप्शन सही होगा। ग्यारह, पिथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम है? पिथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम है? मार्क वन। ग्यारह में आपका डी होगा। क्वेश्चन है बारह, एनी कब निर्मित हुआ था? 1946 में हुआ था। कब हुआ? 1946 में। बारह में आपका सी। क्वेश्चन है तेरह, ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर क्या है? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। तेरह में आपका ए। तेरह में क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है चौदह, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य पुर्जा क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। चौदह में आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर चौदह में ए ऑप्शन सही होगा। पंद्रह, डिजिटल कंप्यूटरों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो इन्हें चार वर्गों में बांट सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा सोलह, माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? 256 KB। 16 में आपका डी होगा। 17, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? डिजिटल। 17 में आपका ए होगा। क्वेश्चन है 18, इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं? सिलिकॉन के एक सामान्य सेमीकंडक्टर चिप पर बने सूक्ष्म परिपथ को। 18 में आपका बी होगा। 18 में क्या होगा? बी। उन्नीस, क्वेश्चन है आपका 19, जीरो और वन को या बिट कहते हैं? जीरो और वन को, जीरो और एक को क्या कहते हैं? बाइनरी अंक या फिर बिट कहते हैं। 19 में आपका ए होगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन है 20, कितने बिट मिलाकर एक बाइट बनती है? कितने बिट मिलाकर एक बाइट बनती है? 8 बिट। 20 में क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 21, डेटा के एक और जीरो के बिट्स को बिट दर बिट क्रमानुसार निम्न में से जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है वह है सीरियल कीबोर्ड। 21 में क्या होगा आपका? सी। 21 में सी। क्वेश्चन है हमारा 22, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं? कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को कहते हैं? सॉफ्टवेयर। 22 में क्या होगा आपका? सी। क्वेश्चन है 23, ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 24, IRM का अर्थ क्या है? इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। 24 में आपका सी होगा। 24 में क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। 25, आगणना सूचना तंत्र में सामान्य तौर पर कितने उपतंत्र होते हैं? 3। 25 में आपका बी होगा। 25 में क्या होगा? बी। 26, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को किसकी मदद से घटा या फिर बढ़ा सकते हैं? तो ये आपका टर्बो स्विच। 26 में आपका ए है, ए ऑप्शन 26 में सही है। 27, टैप किस चीज का बना होता है? टैप किस चीज का बना होता है? प्लास्टिक पॉलिस्टर का। 27 में आपका बी होगा। 28, जिस साइट पर अन्य वेबसाइटों की विवरणी का और एक सर्च इंजन मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? पोर्टल। 28 में आपका सी होगा। 28 में क्या होगा? सी ऑप्शन। 29, कोई चीज जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिए हैं उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 29 में आपका बी होगा। 29 में क्या होगा? बी। 30, प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल। 30 में आपका सी होगा। 31, एमएस एक्सेस में एक टेबल में प्राइमरी कीज होती हैं? इकतीस में आपका ए। 32, इनमें से कौन सा टॉगल बटन नहीं है? इनमें से कोई नहीं है तो इसमें क्या होगा 32 में? ई। 33, कॉलम का टेक्स्ट सामान्यतः अलाइंड होता है? जस्टिफाइड।
क्वेश्चन नंबर 33 में आपका ए होगा। 34, आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रोम। 34 में आपका बी होगा। 34 में क्या होगा? बी। 35, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या फिर स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ड्राइवर। 35 में आपका क्या होगा? बी। 35 में बी ऑप्शन सही होगा। 36, जिस सॉफ्टवेयर से उपयोगकर्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं? ब्राउजर। 36 में आपका डी। 36 में डी ऑप्शन सही है। 37, कंपाइलिंग से क्रिएट होता है या होती है? एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। 37 में आपका सी। 38, किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा में स्टोर किया जाता है? क्लिपबोर्ड। 38 में आपका बी होगा। 39, फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? मॉनिटरिंग। तो 39 में क्या होगा आपका? ए। 40, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? बिजनेस सॉफ्टवेयर का। 40 में क्या होगा? ए। 41, कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है हार्ड ड्राइव से। 41 में ए होगा। 42, फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से पृथक किया गया है पर कोई स्पेस नहीं दिया जाता है। पीरियड। 42 में आपका डी होगा। 42 में क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। 43, वेब। मैं एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं? साइट। 43 में आपका बी होगा। 44, डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक होते हैं जिन्हें कहते हैं? आइकन। 44 में क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। 45, सार्वजनिक स्थानों पर सूचना डिस्प्ले करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? मॉनिटर एवं ओवरहेड प्रोजेक्शन का। 45 में आपका सी। 46, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? बेसिक है, फोटोन है, लेजर नहीं है आपकी, पास्कल भी है, तो इसमें क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 46 में आपका सी होगा।
सैंतालीस क्वेश्चन है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल शिफ्ट और ALT की क्या कहलाती हैं, इन्हें कहते हैं मॉडिफायर। 47 में आपका ए। 48 CPU का क्या कार्य है, CPU का क्या कार्य है, प्रोसेसिंग करना। 48 में बी। 49 किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है, फ्लिप फ्लॉप। 49 में आपका सी। 50 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है, प्रिंट हेड। 50 में आपका सी। 16वां टेस्ट, ठीक है, कौन सा 16वां टेस्ट था, इसमें 50 क्वेश्चन से देखे हैं हम लोगों ने। अगला हम लोग 17वें टेस्ट में आपके और 50 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। पहले आप लोग कंप्यूटर सामान्य ज्ञान को अच्छे से पढ़ लीजिए। क्या है कि आपको अगर अभी 5% फ़ायदा हो रहा होगा तो उससे आपका 50% फ़ायदा बढ़ जाएगा, मतलब इतना ज़रूरी है। इसीलिए तो आपको सलाह दी जाती है कि मॉक टेस्ट जितने से जितने लगा सकते हैं आप उतने लगाइए, क्योंकि मैन उसी से फ़ायदा होता है हमें, ठीक है। तो बने रहिए और पढ़ते रहिए।